अभी जी, अभी जी सत्य कह रहे हैं, आपको कष्ट नहीं होगा। संदाशी हमने अपनी संतोषी को प्राप्त कर ही लिया। संतोषी उठो, उठो संतोषी, बोलो ना, बात करो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैडम को शायद ले। क्या हुआ डॉक्टर? देखिए ना प्लीज, संतोष कुछ बोल नहीं रही, कुछ कीजिए ना प्लीज। रिलैक्स मिस्टर धैर्य, मैंने चेक करता हूं, तब तक आप प्लीज मेडिकल फॉर्म भर दीजिए। गौ माता, क्या हुआ, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? माते, युवराज प्रबल ने संतोषी का वध कर दिया। असुर युवराज संतोषी के प्राण चुराकर लुप्त हो गए। क्या हुआ, आप इलाज क्यों नहीं कर रहे? आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। इनकी मौत जहर की वजह से हुई है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। नहीं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? कुछ नहीं हुआ संतोषी को। संतोषी ने मुझसे वादा किया था मुझे छोड़ के नहीं जाती। संतोषी कहो ना प्लीज, कुछ बोलो ना, इन्हें तुम्हें कुछ नहीं हुआ। संतोषी बोलो ना, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, बताओ बताओ इन्हें। जी क्या क्या युवराज प्रबल ने? मिस्टर धैर्य, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये एक मर्डर का केस है, इसलिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना ही होगा। नहीं, संतोषी कोई हाथ नहीं लगाएगा, संतोषी कहीं नहीं जा रही। संतोषी ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे मैं कह रहा हूँ संतोषी ठीक है, अगर आप इलाज नहीं करेंगे ना, मैं इसको दूसरे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। प्लीज आप समझिए, अगर कोई भी हाथ लगाएगा ना, मैं उसकी जान ले लूंगा। संतोषी चलो, संतोषी चलो यहां से। सर कहां जा रहे हैं? सर कोई नहीं आएगा बीच में। युवराज प्रबल, आपने ये जघन्य अपराध कर काल को न्योता दे दिया है। देवी, किसी भी प्रकार से हमें युवराज प्रबल को रोकना होगा।
ताकि संतोषी की आत्मा को मुक्त करा सके। प्रतीत होता है विधि के विधान में युवराज का वध हमारे हाथों लिखा है। संतोषी ने तुम पर प्रहार किया है, अपनी रक्षा करो। देवी संतोषी, आपने प्रहार करने में विलंब कर दिया। कदाचित युवराज प्रबल असुर लोक में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। देवी पौलमी ने जो कुछ भी अपने भाई के द्वारा करवाया वो अमान्य है, जिसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। संतोषी को क्या हो गया? प्रबल ने पता नहीं क्या कर दिया इसे। आपको क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे संतोषी आंटी? पापा पापा प्लीज डॉक्टर को फोन लगाइए ना, किसी डॉक्टर को बुलाइए। हाँ तुरंत तुरंत। उसे बेटा उसे संतोषी सब आप तुरंत आ जाइए, मैं मिश्रा हाउस से बोल रहा हूँ, कुछ इमरजेंसी है, जल्दी आइए। बुलाने की जरूरत नहीं है, संतोषी हमें छोड़ के चली गई है, संतोषी हमें छोड़ के चली गई। मिली बेटा कुछ याद भी है? आज संतोषी की शादी की सालगिरह है। हाँ दादी, हम तो बिल्कुल ही भूल गए थे। अच्छा आपने याद दिला दिया, हम अभी संतोषी दी को कॉल करते हैं। आप यहीं रुकिए, हम फोन करते हैं। पे लगाते हैं। बेटे संभालो अपने आप को, संतोषी चली गई। बेटा नहीं पापा नहीं, संतोषी को कुछ नहीं हुआ। क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग? संतोषी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती।
संतोषी संतोषी आगे खोलो ना प्लीज प्लीज आगे खोलो ना संतोषी धैर्य संभालो अपने आपको संतोषी अब वापस नहीं आएगी अरे भैया कहा ना आपको मैंने कुछ नहीं हुआ संतोषी को संतोषी बिल्कुल ठीक है संतोषी आगे खोलो प्लीज कुछ नहीं हुआ संतोषी को बस बेहोश है ठीक हो जाएगी अभी दादी संतोषी जी का तो कॉल लग ही नहीं रहा है और घर पर भी कोई फोन नहीं उठा रहा पता नहीं सब लोग कहाँ गए होंगे कहीं पार्टी शार्टी पे गए होंगे चल एक काम करते हम दोनों ना आज लखनऊ जाते हैं बहुत दिन हो गए संतोषी और जमाई बाबू से मिले हुए और जाते हुए रास्ते में संतोषी के लिए सालगिरह का कोई तोहफा भी ले लेंगे ठीक चल बेटे संभालो अपने संतोषी अब हमारे साथ नहीं रही बेटे ये बात को स्वीकार नहीं होगी आप कैसी बातें कर रहे हैं आप फोन क्यों नहीं करते डॉक्टर को प्लीज आप डॉक्टर को फोन करिए ना उसे बुलाइए ना जल्दी उसने वादा किया मुझसे वो मुझे छोड़े कभी नहीं जाएगी उसको होश में लाना है बेहोश है ये संतोषी कांस्टेबल संतोषी बॉडी को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दो कोई हाथ नहीं लगाएगा कोई हाथ नहीं लगाएगा ये मेरी पत्नी से कुछ नहीं हुआ आप लोग चाहिए ऐसे देखिए मिस्टर ये मर्डर केस है इसलिए इनका पोस्टमार्टम करना जरूरी है ताकि हमें ये पता चल सके कि मर्डर कैसे हुआ है मिस्टर धैर्य जब तक जांच पड़ताल नहीं होगी पता कैसे चलेगा कि खूनी कौन है धैर्य इंस्पेक्टर को अपना काम करने दो आप लोग चाहिए ऐसे कुछ नहीं हुआ संतोषी तुम क्यों परेशान करी मुझे प्लीज आके खोलो ना बात करो ना संतोषी संतोषी पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है बेटा समझने की कोशिश अरे कुछ हुआ नहीं तो क्यों पोस्टमार्टम करना है देवी संतोषी अंततः हमने आपकी परम भक्त संतोषी का अंत कर ही दिया और साथ ही में आपके विश्वास और अहंकार का भी अंत कर दिया अब संसार से आपके अन्य भक्तों का अंत करके हम परम विजय प्राप्त करेंगे संतोषी उठो उठ जाओ ना देखो सब फालतू में परेशान हो रहे हैं रो रहे हैं तुम्हारे लिए क्या आप लोगों को समझ में नहीं आता है ये क्या अरे कुछ नहीं हुआ संतोषी को आप इसे लेके जाइए बाहर घर से बाहर लेके जाइए देखिए मिस्टर धैर्य मैं आपकी फीलिंग को समझ रहा हूँ लेकिन प्लीज आप भी हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए अगर आपने हमें डेड बॉडी को ले जाने क्या डेड बॉडी लगा रखा है डेड बॉडी नहीं है पत्नी है मेरी बीवी है मेरी संतोषी अभी जिंदा है मरी नहीं है समझ में आया ये लेके जाइए बाहर आपको प्लीज बाहर जाइए देवी पौलमी आपके भ्राता असुर युवराज प्रबल ने देवी संतोषी की भक्त संतोषी का वध कर दिया है उत्तर दीजिए देवी पौलमी युवराज प्रबल धरती लोक पर देवी संतोषी की भक्त संतोषी का वध करने हेतु ही गया था इसी कारण आप सदैव उनका समर्थन करती रही है क्षमा करे ब्रह्मदेव किंतु हमने किसी का वध नहीं करवाया हम तो स्वयं ही देवराज इंद्र के कारण कष्ट में इस परिस्थिति में किसी और को कष्ट पहुंचाने के बारे में हम विचार भी नहीं कर सकते ब्रह्मदेव देवी संतोषी और तीनों देवियां इसका साक्षी भी है
प्रबल हमारा भाई अवश्य है, किंतु उसने अनुचित कार्य किया है ब्रह्मदेव। केवल हमारे भाई बहन के संबंध के कारण उसका दोष हमारे ऊपर आरोपित ना करे ब्रह्मदेव, बल्कि उस पर कठोर कार्रवाई करे। हम वचन देते हैं ब्रह्मदेव कि हम मध्य में नहीं आएंगे। प्रबल ने जघन्य अपराध किया है ब्रह्मदेव, इसीलिए आपको जो भी उचित लगे वो दंड दे। इस बार हम आपसे दो पग आगे चले हैं देवी संतोषी। समस्त योजना हमारी होने के पश्चात भी आप हमें अपराधी नहीं ठहरा पाएंगे। संतोषी, आई प्रॉमिस, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं किसी को लेके जाने नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ ही रहोगी, तुम कहीं नहीं जा रही। मैं कुछ नहीं हुआ संतोषी, बस आंखें खोल दो। देख रहा, सब कितने परेशान हो रहे, सब बहुत परेशान है। पता नहीं क्या क्या सोच रहे तुम्हारे बारे में। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस आंखें खोल दो ना, होश में आ जाओ। संतोष, अच्छा ठीक है, आराम से। हाँ ठीक है, अपना टाइम ले लो। तो तुम कहीं नहीं जाती, तुम मेरे साथ हो। तुम्हें मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। संतोष को ऐसी आदत में नहीं देख सकते। इंस्पेक्टर साहब, जरा मेरे साथ आइए। देखो ना, सब कितने परेशान हो रहे, सब बहुत परेशान है। इंस्पेक्टर साहब, संतोषी के जाने से धैर्य को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आपसे विनती करते हैं, अब थोड़ी देर से पत्नी के साथ रहने दो। आप रो क्यों रही हो? प्लीज रोना बंद करिए। मेरे से बाल होते आपको बेटा। अरे क्या आप लोग नहीं रो रहा? अरे कुछ नहीं हुआ संतोषी को, क्यों रो रहे आप लोग? रूपा समझा बनवारी को, क्यों क्यों रो रहे, रो क्यों रहे हो तुम लोग? संतोषी सर, बकवास मत करो, तुम इनकी भाषा बोल रहे हो। अरे कुछ नहीं हुआ, देखो ना। अरे बेहोश है वो, होश में आ जाएगी। डॉक्टर को बुलाने बोल रहे, कोई सुन नहीं रहा है। संतोषी आंटी प्लीज उठो ना संतोषी आंटी। अरे कुछ नहीं हुआ संतोषी को, मेरी बात कोई क्यों नहीं समझ रहा है? कुछ नहीं हुआ संतोषी को। सर जी, आपके बेटे को तो समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप तो समझदार हैं, इसलिए प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। और एक बात बताइए, ऐसे कब तक आप इस डेड बॉडी को रोक कर रखेंगे? पोस्टमार्टम छोड़िए, लेकिन इनका अंतिम संस्कार तो करना ही होगा ना। नारायण नारायण। माते, यदि आपकी भक्त पुत्री संतोषी के प्राण धरती लोक पर भटक रहे होते तो हम परम पूज्य पितामह ब्रह्मदेव से कहकर अवश्य कोई ना कोई कार्रवाई करवाते, किंतु उनके प्राण तो अश्व युवराज ने चुरा लिए। और अब तो उनके शव विच्छेदन की तैयारी भी हो रही है माते। और यदि एक बार उनके शरीर का विच्छेदन हो गया माते, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं।
अंततः हमने आपको पा ही लिया संतोषी जी। अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा क्योंकि आप बनेंगे असुर लोक की रानी। प्रबल की रानी।